हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूडोर। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं पावर वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज गाइस हम लोग ऐसे पोकेमोन को पकड़ने वाले हैं जो कि गाइस होने वाला है बहुत ज़्यादा पावरफुल। और हाँ गाइस, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जल्दी आप लोगों को अपडेट दूंगा उस बारे में। फिलहाल चलते हैं उस पोकेमोन के पास। ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक नए एरिया पे जो कि गाइस नए अपडेट के साथ आया हुआ है। और हाँ गाइस, यहीं अपने को मिलने वाला है वो बॉस पोकेमोन, तो उससे फाइट करना है। सबसे पहले तो उसको खोजना पड़ेगा भाई, जो कि अपने को इजीली मिलने वाला नहीं है क्योंकि बहुत रेयर जगह पे स्पॉन होने वाला पोकेमोन है। तो गाइस फटाफट से उसको खोजते हैं अपने जेट ड्रैगन के ऊपर बैठ के। मिल जा भाई, कहाँ एक बार मिल गया तो गाइस इसको इतना गंदा मारने वाले ना और इजीली कैप्चर करके अपने बेस पे ले जाके इससे काम कराने वाले। मेरे पास एक और ऐसा पोकेमोन है बट गाइस वो अभी लेवल 1 का है। तो हाँ गाइस, अपने को बड़े वाले बॉस को फटाफट से खोजना पड़ेगा। फिलहाल इसी के आसपास ओ रहा गाइस, शायद से ना गाइस वही वाला पोकेमोन है। दिखने में तो काफी बड़ा दिख रहा है, यहाँ से पास जाके देखते हैं कि ये क्या वो वही पोकेमोन है। ऑल राइट गाइज, लेट्स गो। ये वही पोकेमोन है गाइज जिसको अपन लोग खोज रहे हैं। तो हाँ गाइज, इसे फाइट करना पड़ेगा। अपन लोग काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमोन्स लेके आए हैं इसे फाइट करने के लिए। तो हाँ गाइज, स्टार्ट करते हैं फाइट। फिलहाल तो गाइज ये अपने मस्त धुन में जा रहा कहीं भी, इसके ऊपर एक गोली चलाते हैं। ओके, ये अपने को स्पॉन कर लिया है और गाइज एंग्री हो चुका है। फिलहाल मैं भेजता हूँ अपने पोकेमोन को और पता नहीं मैं किसको भेज दूँ, शायद से मैं अनुबिस को भेजाऊँ। और ये क्या भाई, इसने एक अटैक में मेरा पूरा शील्ड उड़ा दिया। फिलहाल गाइस काफ़ी पावरफुल पोकेमोन लग रहा है, इसे दूर रहने में ही अपने को भलाई दिखाई दे रही है। यार मारने तो गंदा वाला हूँ मैं, टेंशन वाली बात नहीं, सारे पोकेमोन अपने मस्त अपने पावरफुल हैं। अनुबिस अच्छा खासा डैमेज दे रहा, पता नहीं गाइस अनुबिस क्या कर रहा, काफ़ी लेट अटैक कर रहा। ओके भाई, ये अटैक क्यों नहीं कर रहा, इसका अटैक काफ़ी तगड़ा है और साथ से ना गाइस ये बचना चाहता है। भाई अपने मिसाइल से कैसे बचेगा ब्रो, मिसाइल तो गाइस अपने पास बहुत सारी बुलेट्स हैं, टेंशन लेने वाले कोई बातें नहीं है, बहुत सारे बुलेट है, मारेंगे अच्छे से मिसाइल से। लेकिन गाइस मैं देख रहा हूँ कि मिसाइल से ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा ये। तो हाँ गाइस, ज़्यादा कॉन्सनट्रेट अपने पाल के ऊपर ही रहेगा, पाल अच्छा खासा डैमेज देना चाहिए। फिलहाल गाइस मैं इसको भेज रहा हूँ अपने जर्मन टाइड इग्निस को और गाइस ये अच्छा खासा फाइट लेता है। फिलहाल ही ज़्यादा लेवल का नहीं, तो देखते हैं कैसा फाइट लेता है ये। अच्छा खासा फाइट लेना चाहिए, फायर टाइप पोकेमोन है ये। ऑल राइट गाइस, एक बार में इसने 250 का डैमेज दिया जो कि अच्छा खासा डैमेज है। और गाइस बीच बीच में अपना मिसाइल से भी अटैक देता रहूँगा जिससे इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ता रहेगा। फिलहाल गाइस मैं इसको बुला के भाई साहब भेज दिया हूँ अपने लाइली नॉक को। गाइस काफ़ी सेक्सीएस्ट पोकेमोन है गाइस, अच्छा खासा डैमेज है, आइस टाइप अटैक करता है। गाइस काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, देखते हैं दोनों के बीच कैसा फाइट होता है। लेकिन भाई इसने तो लाइली नॉक को एक अटैक में गाइस लो कर दिया। फिलहाल गाइस भेजना पड़ेगा जेट ड्रैगन को। देख रहा हूँ गाइस लाइली नॉक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, जेट ड्रैगन को भेजते हैं गाइस, देखते हैं कैसा अटैक करता है। भाई साहब इसने तो भाई काफ़ी ज़्यादा अटैक किया यार, लेकिन कोई इसको डैमेज ही नहीं पहुंच रहा। फिलहाल गाइस ये बेहोश हो गया है। ओके, फायर बॉल मारा जेट ड्रैगन है और गाइस अच्छा खासा डैमेज नहीं है जेट ड्रैगन को भी, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, अभी अपने पास और भी अच्छे अच्छे पोकेमोन हैं, फिलहाल इनसे ही फाइट कराते हैं। और गाइस बीच बीच में अपना मिसाइल तो है ही अच्छा खासा डैमेज देने के लिए। फिलहाल गाइस अपन लोग इसको ना 40% ऑलमोस्ट HP ख़त्म कर चुके हैं, बाकी गाइस 60% भी इजीली अपन लोग ख़त्म करने वाले हैं। फिलहाल गाइस ये नीचे हो चुका है, जेट ड्रैगन ऊपर है और ऊपर से अच्छा खासा अटैक कर रहा है इसके ऊपर। देख रहे हो भाई साहब, इतना गंदा अटैक के बाद भी इसका HP कितना ज़्यादा कम ख़त्म हो रहा, भाई कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होने वाला है। ऑल राइट गाइस, मैं इसके ऊपर पल्स पे फेंका बट गाइस इतना जल्दी तो नहीं आने वाला। फिलहाल गाइस मैं भेज चुका हूँ अपने ऑस्ट्रेलियन नॉक को जो कि गाइस काफ़ी गंदा तरीके से अटैक दे रहा है इसके ऊपर। फिलहाल गाइस इसको मैं वापस बुला लिया हूँ, क्योंकि ये जो अटैक करने वाला था इससे मेरा ऑस्ट्रेलियन नॉक भाई साहब एक बार में जाने वाला था। फिर से मैं भेज चुका हूँ ऑस्ट्रेलियन नॉक को, गाइस देखते हैं इस बार कितना तगड़ा वाला अटैक पड़ता है इसको। फिलहाल गाइस देख सकते हो हम लोग गाइस कितना ज़्यादा इसको अटैक पड़ रहा है और शायद से ना अभी कैप्चर हो जाएगा क्योंकि अपने पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाला पल्स पेयर। फिलहाल इसका फाइट जर्मन टाइड इग्निस से एक बार और करा देते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा लो हो जाए। इसके बाद अपन लोग भेजने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन नॉक को ताकि इसको जड़ से ख़त्म कर पाएँ अपन लोग। और गाइस इसके पास ना शायद से एक ऐसा अटैक है जिससे गाइस ये रॉक निकाल देता है ज़मीन से, जो कि गाइस काफ़ी पावरफुल अटैक है। और गाइस लाइली नॉक को गाइस ये इजीली एक बार में भाई सब लो कर देता है, देखना पड़ेगा क्या शायद से इसको मार पाएगा या नहीं या लाइली नॉक अपना इसको। और नहीं गाइस, अपना लाइली नॉक लो हो चुका है और इसी के साथ मर भी गया। फिलहाल गाइस अपना एक पोकेमोन मर चुका है, भेजते हैं अनुबिस को। अनुबिस भी भाई सब कब से अपने पॉकेट पे है बट अपन लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। और नहीं गाइस, इसने तो मुझे चरा दिया यार, बचना पड़ेगा इसके अटैक से। और गाइस अपने पास मिसाइल भी है, इससे भी अपन लोग अच्छा खासा इसको टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इससे भी बीच बीच में अटैक करते रहेंगे अपन लोग।
अनुबीज गाइस काफी काम का पोकेमोन है यार, मैं इसका यूज नहीं कर रहा था, गलती हो गया था। अभी गाइस अच्छा खासा इसका टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा एचपी नहीं है क्योंकि अपने पास आर्मर नहीं है। अभी अपन लोग इसके पास गए तो हाँ गाइस एक बार में ये अपने को फिनिश करने वाला है। फिलहाल कोई तो तगड़ा अटैक करने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके गाइस ने रॉक वाला अटैक किया जो कि अनुबीज भी करता है। ओके अभी टाइम आ चुका है गाइस अपने पावरफुल पोकेमोन को भेजने का। अपने पास काफ़ी सारे पल्स पेयर है तो टेंशन वाली बात नहीं है, फेंकते हैं एक पल्स पेयर, क्या पता आ जाए भाई साहब, क्योंकि कभी कभी लग ऐसा होता है कि अच्छा अच्छा ओ भाई साहब एक बार में आ गया भाई, इसकी उम्मीद नहीं थी यार मुझे, मैं तो अपने बड़े बड़े पोकेमोन बचा के रखा था इससे फाइट कराने के लिए, लेकिन वैसे तो एक बार में आ गया भाई, कितना अच्छा हो गया भाई, अपने पास एक और मस्त पावरफुल बॉस पोकेमोन हो गया गाइस। तो हाँ अपना जो टीम है ना अभी काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है गाइस, देखते जाओ आगे आगे जो पोकेमोन अपन लोग पकड़ने वाले हैं ना, आगे जो वीडियोस आने वाली है गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, आल्सो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।